नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नजर। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आज एक पीड़ित परिवार अपनी शिकायत लेकर पहुंचा, जहां उसने विपक्षी गणों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस पर भी विपक्षियों से मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। साथ ही उसने बताया कि उल्टा पुलिस ने पीड़ित पर ही 151 की कार्रवाई कर दी थी। आज झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिवहरी मीणा को दिए प्रार्थना पत्र में फरियादी विशाल परिहार, पुत्र प्रतिपाल परिहार, निवासी नंदनपुरा नारायण गार्डन के सामने थाना सीपरी बाजार ने बताया कि 18 मार्च शाम करीब 5 बजे उसके मोहल्ले के एक दर्जन से ज़्यादा लोग एक राय होकर उसके घर आ गए और मारपीट पर आमादा हो गए तथा उल्टी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसके सिर में 4-5 टांके आए हैं। विपक्षियों ने उसके साथ ही नहीं बल्कि उसके परिवार के अन्य महिला और पुरुषों के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। घटना की शिकायत जब फरियादी द्वारा संबंधित थाने में की गई तो पुलिस ने उल्टा फरियादी को ही धारा 151 में पाबंद कर चालान कर दिया और विपक्षियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फरियादी ने पुलिस पर विपक्षियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। फरियादी का कहना है कि विपक्षी गण उससे तथा उसके परिवार से रंजिश रखते हैं और पिछले कई दिनों से फरियादी के साथ मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए फरियादी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अपने एवं अपने परिवार की जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। अंदर ये बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ में? सर, पड़ोस में रहने वाले 13 तारीख को पिछले दूसरे महीने में मैं काम से लौट रहा था, तो उस दिन वो सतीश रोड पे खड़ा हुआ, मुझसे शराब के लिए पैसे मांगे, तो सर मैंने पैसे देने से इनकार करा, मैंने कि मेरे पास नहीं है। उसके बाद उसने गाली गलौज करना, मैंने कि गाली गलौज क्यों कर रहे हो सर? उसके बाद गाली गलौज करने के बाद उसके भाई और उन लोग सब ने उस दिन मारपीट करी। मैं थाने गया, उसके बाद सर कोई सुनवाई नहीं हुई। उस दिन से लेके अभी तक एक सिपाही भी नहीं गया उनके घर। उसके बाद कई बार हम लोग थाने गए, रोज गाली गलौज करते थे वो, मतलब वहीं से निकलना होता है सर तो निकलने के लिए मना करते हैं, यहाँ से नहीं निकला करें। बस कल सर वो हुआ, कल फिर उन लोगों ने मारपीट करी घर पे आके। क्या कोई पुरानी रंजिश है? हाँ सर, वो पता नहीं किस बात का मनमुटाव करते हैं। तो गाली गलौज कर रहे थे तो मेरी मिसेस थाने गई शिकायत करने, तो थाने में खड़ी हुई थी, आने वाले कह रहे हैं कि जाओ लिख के ले आओ, लिखित में ले आओ, अभी जाएंगे, अभी छुट्टी है, तुम जाओ। थाने वालों ने सुनवाई नहीं करी सर। क्या चाहते हो सर? कार्रवाई चाहते हैं इंसाफ। आज कहाँ आए थे? आज SP ऑफिस आए कप्तान साहब के पास। ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।